जी हाँ दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में मिली शर्मनाक हार के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की नई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा को रन लेते वक्त हैमस्ट्रिंग हो गई थी, यानी के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके चलते वो रन आउट भी हो गए थे। तो वहीं केएल राहुल भी दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द होने की वजह से अब दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में बीसीसीआई ने इन दोनों खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर कर दिया है। तो वहीं सरफराज खान समेत तीन खिलाड़ियों के भारतीय टीम में शामिल हो जाने से अब भारतीय टीम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, और इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है, और इन खिलाड़ियों के भारतीय स्क्वाड में शामिल हो जाने से अब दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। इसके अलावा दूसरे टेस्ट मुकाबले से जुड़ी और भी कई जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद में खेला गया था और इस 100% जीते हुए मुकाबले को भारतीय टीम ने गंवा दिया। आपको बता दें कि पहली इनिंग में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस टेस्ट मैच में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई तब भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरह से निराश किया। उसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहद लचर प्रदर्शन दिखाया और पूरी टीम मात्र 202 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मुकाबले में 28 रनों से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अब भारत और इंग्लैंड के बीच इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला 2 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार सुबह में 9:30 बजे से शुरू होगा। दोस्तों, बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद ही अहम होने वाला है और भारतीय टीम इस दूसरे टेस्ट मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि अगर भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले को भी हार जाती है तो फिर उसे सीरीज बचाने के लिए बाकी बचे तीनों मुकाबले लगातार जीतने होंगे, नहीं तो फिर भारतीय टीम सीरीज भी गंवा देगी। और ऐसे में बीसीसीआई ने केएल राहुल और रविंद्र जडेजा के दूसरे टेस्ट से बाहर हो जाने के बाद भारतीय टीम के स्क्वाड में तीन खतरनाक और धुरंधर खिलाड़ियों की एंट्री करवा दी है, जिसमें पहला नाम है सरफराज खान का। आपको बता दें कि सरफराज खान मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज हैं और हाल फिलहाल में सरफराज खान ने भर भर के रन बनाए हैं और काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया है। दोस्तों, बता दें कि सरफराज खान ने अब तक अपने करियर में 45 फर्स्ट क्लास मैचों में 69.85 की औसत से 14 शतक और 11 अर्धशतक की मदद से 3,912 रन बनाए हैं। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2019-20 के सीजन में 928 रन, जबकि 2022 के सीजन में 982 रन बनाए हैं। और अभी हाल ही में इंग्लैंड ए के खिलाफ खेले गए 4 दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सरफराज खान ने 166 गेंदों में 18 चौके और 5 छक्कों की मदद से 161 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था और इस मैच को इंडिया ए ने एक पारी और 16 रनों से जीत लिया था। वहीं इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को शामिल किया है। वाशिंगटन सुंदर अब तक 4 टेस्ट मुकाबला खेल चुके हैं। उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मुकाबला 2021 में खेला था और ऐसे में रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। इसके अलावा बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में लेफ्ट आर्म स्पिनर सौरभ कुमार को भी शामिल किया है, जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। दोस्तों, बता दें कि सौरभ कुमार रणजी ट्रॉफी में यूपी की टीम की तरफ से खेलते हैं। हालांकि सौरभ कुमार को अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अलावा ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। सौरभ कुमार ने अब तक खेले गए फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 2,061 रन बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 2.76 की इकोनॉमी रेट से कुल 290 विकेट भी अपने नाम किए हैं। दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों के भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल हो जाने से अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड के साथ साथ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 भी पूरी तरह से बदल चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड पर नजर डालें तो नंबर 1 पर होंगे कप्तान रोहित शर्मा, नंबर 2 पर सुमन गिल, नंबर 3 पर यशस्वी जायसवाल, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर केएस भरत, नंबर 6 पर ध्रुव जुरेल, नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 8 पर अक्षर पटेल, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 11 पर मुकेश कुमार, नंबर 12 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 13 पर आवेश खान, नंबर 14 पर रजत पाटीदार, नंबर 15 पर सरफराज खान, नंबर 16 पर वाशिंगटन सुंदर और नंबर 17 पर होंगे सौरभ कुमार। वहीं दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं फिर नंबर 3 पर होंगे सुमन गिल, नंबर 4 पर रजत पाटीदार या फिर सरफराज खान को भी मौका मिल सकता है, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर केएस भरत, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 9 पर कुलदीप यादव, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड और प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होने वाली है। तो ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे
टेस्ट मुकाबले को जीत कर सीरीज में बराबरी कर पाएगी या नहीं, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।